फॉलो नहीं करता, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता। ठीक, तो ये बी के अंदर जो है हमारा एरर। नेक्स्ट आप देखें गिवन, देखो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों ये आपका जो है क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमास दिया है इसके अंदर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है ये आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, इसका मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट उस पर्सन के द्वारा बोले गए, ठीक है ना, ऐसे शब्द होते हैं डायरेक्ट उस पर्सन के द्वारा ये बोले गए शब्द हैं और इसीलिए हम इनको जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप क्या लिखा हुआ है, मीरा सेड टू मी, तो मीरा ने मुझको कहा। देखो ये इधर का जो सेक्शन होता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग, इसको वर्ब का कहते हैं। किसको वर्ब कहते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वालों को, और ये जो है ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये जो स्पीच है ना एक तरह से डायरेक्ट कुछ कहा गया जो बोलने वाले के थ्रू, तो वो एक आपका क्या बन गया, स्पीच हो गया। और ये वर्ब है, ये क्रिया है, उसने कहा, कहने की क्रिया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा। ठीक है ना, अब आप देखो क्या लिखा हुआ है कि मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा, ठीक है ना, मीरा ने मुझसे क्या कहा, आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर, मैं ये जो फ्लैट है ये जो मकान है मैं अपनी मम्मी के लिए अपनी माताजी के लिए जो है मैंने ये खरीदा है, मैंने ये प्लाट खरीदा है। ठीक है, फ्लैट खरीदा है, प्लाट नहीं। चलिए तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना, जैसे ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में देखो ये आप अगर देखेंगे तो कौन से टेंस में दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये हैव और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पीच ले लेता हूँ, ठीक है, और ये मैंने ले लिया इनडायरेक्ट स्पीच ले लिया, तो यहाँ पे आप देखो कौन सा सेंस है, ये आपका परफेक्ट टेंस का आपका ये सेंटेंस है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, या तो हैज या फिर हैव, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होता है ना। तो इधर जो है इनडायरेक्ट में यही वाला आपका प्रेजेंट जो परफेक्ट है ये आपका, ठीक है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है, हैज या हैव जो है ना वो आपका हैड बन जाएगा, ठीक है ना, और वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये बदलाव तो होता है, उसके बाद उसके अलावा भी जो है कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे अगर दिस है ना, अगर इधर दिस लिखा हुआ है तो ये आपका बन जाएगा दैट, है ना, ये चेंज भी होता है ना, या फिर ये अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे टुडे का दैट डे हो जाता है ना, प्री लास्ट डे का प्रीवियस डे हो जाता है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। और भी हम देखो थोड़ा सा आप इसको ना हिंदी में करके ट्रांसलेट किया करो, बहुत आसानी से इसको अप्रोच कर पाओगे। आप देखो मीरा सेड टू मी, तो मीरा ने किससे कहा, मीरा ने मुझसे कहा, ठीक है, कि आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर, है ना, कि मीरा सेड टू मी दैट, तो इसमें जो है मीरा ने किससे कहा कि आई हैव, तो मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा, क्या कहा कि वो लेके आई, तो ये आई कौन है, ध्यान देना दोस्तों, आई कौन है, मीरा है, आई कौन है, मीरा है, और वो किससे कह रही है, मुझसे। अब यही बात अगर मैं कहूंगा, मैं उसके शब्दों को बोलूंगा तो ये मीरा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी शी, क्या बन जाएगी, शी, मतलब इसका जो अगर करेक्ट फॉर्मेशन क्या हो गया, तो मीरा सेड का बन जाता है टोल्ड, सेड का क्या बन जाता है टोल्ड, ये भी आप थोड़ा सा याद रखें कि सेड जो वर्ड है ना वो क्या बन जाएगा टोल्ड। चलिए हम लोग इसको
ऑप्शंस के बिना ही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मीरा जो है ये बन जाएगा आपका मीरा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा टोल्ड, है ना, टोल्ड, और टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता है, ये आप याद रखो। टोल्ड जो है वो अकेला होता है, उसके साथ टू नहीं होता है। तो टोल्ड के बाद आपका सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो, तो मीरा टोल्ड मी, और उसके बाद हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, ध्यान दो दोस्तों, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट लगाते हैं, ठीक है ना। तो टोल्ड मी दैट, तो आय जो है, आय का हम लोग किसकी बात करें, मीरा अपनी बात कर रही है, तो वो शी बन जाएगी, वो शी दैट शी। अब देखो इधर हमने क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में है हमारा हैव बॉट, तो ये बन जाएगा आपका हैड बॉट, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो शी दैट शी हैड बॉट, ठीक है ना, शी हैड बॉट, और ये दिस का बन जाएगा दैट, क्या बन जाएगा, शी हैड बॉट दैट फ्लैट, कौन सा, वो वाला फ्लैट, दैट फ्लैट। और क्या क्या चेंजेस है, फॉर, और देखो माय मतलब वो उसी की मम्मी की बात कर रहे हैं, तो फॉर हर मदर, उसी की मम्मी की बात हो रही है, तो फॉर हर मदर, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट का हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट के फॉर्म में। तो फॉर हर मदर बताओ कौन सा वाला सही है आपका, टोल्ड मी दैट शी हैज, ये देखो टोल्ड मी दैट शी हैज, ये नहीं आएगा, ठीक है, मीरा टोल्ड मी दैट शी हैज, ये नहीं आएगा, मीरा टोल्ड मी हो गया सही, दैट हो गया, शी हो गया, हैड हो गया, बॉट, अच्छा दैट हो गया, फ्लैट, फॉर हर मदर, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टोल्ड मी दैट शी वॉज बाइंग, ये तो नहीं होगा, है ना, मतलब हमारा सी वाला बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, इस तरीके से आपको इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, चूज द वन विच इज करेक्ट, इनडायरेक्ट इसका निकालना है हमको, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, सोनम सेड टू मी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है हमारा। देखो डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, ये हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है दोस्तों, याद रखना। इंट्रोगेटिव में हम दो तीन तरीके से शुरू करते हैं, या तो हम इफ से, है ना, इफ से भी शुरू कर सकते हैं, और वेदर, ठीक है ना, वेदर से हम लोग शुरू कर सकते हैं, इफ या वेदर, ये दो तरीके से हम लोग शुरू कर सकते हैं कॉमा के बदले। और उसके अलावा क्या चेंजेस हैं कि क्योंकि क्वेश्चन है तो हम लोग आस्क्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, सेड टोल्ड के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, टोल्ड नहीं लगाते हैं, हम लोग जो है उसके बदले आस्क लगा देते हैं। तो ये दो चीजों को आप याद रखो, चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके अलावा हम लोग देखो क्या चेंज करते हैं, है ना, तो वेदर शी, और उसके अलावा जैसे ये पास्ट टेंस में है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं बता देता हूं, है ना, ये आपका वापस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपका सेंटेंस जो है वो किसमें है, आपका सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है, ठीक है, आपका सेंटेंस किसमें है, ठीक है ना, आपका सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, है ना, मतलब वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म है, या फिर इधर डिड लगा हुआ है, ठीक है ना, डिड लगा हुआ है, तो यहां पे जो है आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये क्या हो जाएगा, आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे हैड हो जाएगा और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ये याद रखना है दो तीन चीजें। चलिए अब इसको सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, तो देखो सोनम है ना, सोनम सेड टू मी, तो ये हो जाएगा सोनम, सोनम सेड टू के बदले ए एस के ई डी, आस्क्ड किससे, मी, है ना, क्या आस्क्ड मी, तो वेदर और इफ में से कुछ लगा सकते हैं, तो इफ, है ना, तो इफ हो गया, आस्क मी इफ,
है ना, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, है ना, तो क्या होगा कि इफ हो गया, डिड यू का आपका बन जाएगा आई, है ना, और डिड जो है, डिड का आपका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, इफ हैड, है ना, तो आई हैड, इफ आई, है ना, ये आपका इफ लगा दिया तो इंट्रोगेटिव से आपका नॉर्मल सेंटेंस बन गया, ये भी याद रखना, इफ अगर आपने लगा दिया तो ये जो आपके सेंटेंस हैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा इफ के कारण, तो इफ आई हैड, और वॉच का बन जाएगा वॉच्ड, है ना, वॉच्ड द, क्या वॉच द, क्रिकेट मैच, है ना, वॉच द क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, तो ये ऑन, फिर ये टीवी, और लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखो, लास्ट नाइट जो है वो क्या बन जाएगा, प्रीवियस नाइट आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, तो हमारा कौन सा सही है, तो देखो सोना मासमी, इफ आई हैड नहीं आया, इफ आई हैड नहीं आया तो ये वाला रॉन्ग, ठीक, सोनम आसमी, इफ आई हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, ये चेंज नहीं हुआ तो ये रॉन्ग, ठीक, फिर आगे सोनम आसमी, इफ आई हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन, ये सही आ गया हमारा, प्रीवियस नाइट, मतलब सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, फिर आप देखो सोनम आसमी, इफ आई हैव, ये तो प्रेजेंट है ना, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से हमने सॉल्व किया, बिल्कुल आपको सारे इसके रूल्स भी पता होना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, सी वाला सही है, नेक्स्ट देखो, इसमें भी हमको जो है इनडायरेक्ट का फॉर्म देखना है, देखो क्या लिखा है, मोना सेड टू अन्ना, अच्छा मोना एना, ठीक है, अन्ना नहीं एना, तो मोना सेड टू एना शीना, अच्छा मोना एना शीना तीनों है, ठीक है, तो देखो मोना सेड टू एना शीना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, तो शीना जो है वो क्या करेगी, वो लीव करेगी उसके नेटिव प्लेस के लिए, कब, कल, कल रहेगी, टुमारो रहेगी, चलिए तो ये आपका जो है फ्यूचर में आ गया, ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर भी दोस्तों है ना, ये आपका डायरेक्ट और ये आपका जो है इनडायरेक्ट है, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो देखो ये इसमें विल है ना, बिल्कुल विल जो है वो आपका बन जाएगा वुड, विल आपका क्या बन जाएगा वुड, बिल्कुल आपको इस तरीके से याद रखना है, तो देखो ये सेट टू के बदले जो है ये चेंज हो जाएगा टोल्ड, क्या बन जाएगा टोल्ड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मोना, ठीक है ना, टोल्ड एना एना शीना विल, है ना, एना दैट दैट करके इसमें यूज करेंगे दैट, है ना, और ये लड़की कोई शीना है तो इसके नाम में कोई चेंज नहीं, शीना वुड, है ना, वुड और लीव का लीव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, है ना, लीव फॉर और फॉर हर ही रहेगा, यहाँ पे हर में कोई चेंज नहीं, ठीक है ना, फॉर हर नेटिव प्लेस में कोई चेंज नहीं, ठीक है, नेटिव प्लेस, और टुमारो जो है वो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो क्या बन जाएगा ये भी याद रखो, ठीक है ना, ये जो आपका टुमारो है, ठीक है, टुमारो वो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, बिल्कुल आपको ये याद रखना है, टुमारो जो है वो आपका क्या बन जाएगा द नेक्स्ट डे, चलिए देखते हैं, तो एना विल, विल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका वुड आएगा और ये टुमारो भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाला एरर आ गया, फिर आप देखो एना दैट शीना वुड आपका सही है, नेटिव फॉर टुमारो आपका रॉन्ग आ गया, ठीक, तो ये हमारा रॉन्ग, फिर मोना टोल्ड एना दैट शीना विल बी लिविंग, आई एन जी वाला ये नहीं आएगा, ठीक, फिर हमारा फोर्थ वाला क्या हो गया, टोल्ड एना दैट ये शीना वुड लिव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, बिल्कुल आपका डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन व्हिच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द
सेंटेंस। चलिए ये आपके जो क्वेश्चन है अब एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक कॉलम हम बना लेंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। इसमें आप देखो, आई गिव आल्म्स टू द पुअर, आल्म्स का मतलब होता है भीख, ठीक है ना। तो ये क्या इसमें बताया जा रहा है कि मैं आल्म्स दिया मैंने किसको, पुअर, ऑन मंडेज। मंडेज को मतलब का मतलब होता है एवरी मंडे, हर मंडे, ठीक है। तो अब इसमें हमको पता करना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। देखो आई, आई आपका क्या है, हाँ इसको पैसिव में करना है, ठीक है। ये आपका किस में है, एक्टिव में है ये आपका, ठीक। अब देखो ये आपका है सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और टू द पुअर्स जो है ये आपके अदर वर्ड्स हैं, ये दूसरे शब्द, ये आपके जो है ना दोस्तों अदर वर्ड्स हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आपका सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस आपका सब्जेक्ट, बिल्कुल इस तरीके से हमको करना है। तो देखो आई गिव आल्म्स, ठीक है, तो आई गिव आल्म्स, तो आल्म्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इससे शुरू करो, ए एल एम एस आल्म्स। चलिए आर्म से शुरू होगा, सभी चारों में आर्म्स है, आर्म्स 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 आर्म्स, ठीक है। अब ये देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, इज एम आर में से कोई होगा, ठीक है, इज एम आर, तो आर्म्स जो है, ठीक है ना, इज एम आर में से कोई होगा। अब आर्म्स जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, ये क्या है, भले एस लिखा हुआ है लेकिन ये एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब आपका इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, है ना। और गिव जो है, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, इज गिवन, बताओ जरा इज गिवन का है, तो ये देखो इज गिवन यहाँ पे सही है, हैव बीन आपका परफेक्ट वाला नहीं आने वाला है तो ये गलत, ठीक, हैज बीन जो है ये आपका परफेक्ट वाला नहीं आने वाला है तो ये गलत, और आर जो है नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका सिंगुलर नाउन है बिल्कुल, तो आपका ये भी गलत, मतलब ये वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। देखो आर्म्स इज गिवन किसको दिया गया, टू द पुअर बाय मी, है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से कि किसको दिया गया, पुअर्स को दिया गया, मेरे द्वारा दिया गया, बाय मी कब, ऑन मंडेज, हर मंडे को जो है मेरे द्वारा दिया जाता है ना, ए वाला हमारा बिल्कुल राइट फॉर्मेशन है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आप देखो 20th वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है, विच वन इज द करेक्ट पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, क्या लिखा है देखो, मिस्टर मुखर्जी इज टीचिंग द चिल्ड्रन द स्लम एरिया, अच्छा टीचिंग द चिल्ड्रन, ये इन आएगा यहाँ, ठीक है, इन द स्लम एरिया, ठीक है, तो मिस्टर मुखर्जी इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया। दोस्तों आपको ये पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ा रहा है, मिस्टर मुखर्जी पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, और किसको पढ़ा रहे हैं, चिल्ड्रन को, तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा इन द स्लम एरिया जो है वो अदर वर्ड्स हैं, है ना, ये जो है आपके अदर वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, चलो आईएनजी वाले जो कंटिन्यूस टेंस के जो है, देखो ये आपका, ये आपके एक्टिव और ये आपका पैसिव वॉइस का जो वर्ड सेंटेंस है, तो ये देखो कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस टेंस में अगर हम लोग एक्टिव में इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये आपका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट,
और प्लस जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो, और इसी का अगर पैसिव करेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लस वापस यही आपका हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर, और उसके बाद ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आईएनजी वाला है तो इधर यहाँ पे पैसिव में बीइंग आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना, बीइंग आ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, उसके बाद आपका बाय आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी के जो बचे हुए अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बीइंग आएगा, बस इतना याद रखो। तो देखो, तो द चिल्ड्रन, तो ये अदर वर्ड्स जो हैं आप शुरू में भी लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, सॉरी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुखर्जी इज टीचिंग द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, उससे उसको उससे स्टार्टिंग करना है। देखो सब दूर, द चिल्ड्रन सब दूर है, ठीक है, उसके बाद क्या, इन द स्लम एरियाज, बिल्कुल आ सकता है द स्लम, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, ठीक है, लेकिन इन द स्लम एरिया जो आएगा उसके बाद बीइंग टॉट, अच्छा द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, अच्छा उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, द चिल्ड्रन इन द स्लम, अच्छा इन द स्लम एरियाज बीइंग टॉट बाय मुखर्जी, देखो क्या लिखा है, द चिल्ड्रन बच्चे जो है कहां पर, इन द स्लम एरियाज बीइंग टॉट, ठीक है, बीइंग टॉट बाय मिस्टर मुखर्जी, चलिए यार ये देख लेते हैं। अगला, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया टॉट बाय मिस्टर मुखर्जी, अच्छा देखो टॉट ये क्या है, स्लम एरिया टॉट बाय मिस्टर, बीइंग नहीं आया है ना, बीइंग नहीं आया मतलब ये नहीं होगा, मैंने क्या कहा बीइंग आना चाहिए, चलिए फिर आगे, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज हैव बीन तो नहीं आएगा दोस्तों, इतना तो आप याद रखो, क्यों, क्योंकि बीइंग आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, फिर द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज बीइंग टॉट, ये आपका बीइंग जो है वो नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग का एरर आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों प्रिंटिंग का आपका एरर आ गया है ना, देखो दो क्वेश्चन एक जैसे है क्या, अच्छा क्या हो गया, बीइंग टॉट स्लम एरियाज बीइंग टॉट बाय मिस्टर, चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज बीइंग टॉट, है ना, एरियाज बीइंग टॉट, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, यहाँ एक एरर आ गया, ठीक है, एक आपका मैं आपका एरर करेक्शन कर देता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन का ही हमारा एरर, यहाँ पे जो है आर आना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे आर आना चाहिए था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बीइंग है तो लेकिन आर नहीं है, है ना, आर नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया, ये चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज है ना, एरियाज हो गया, उसके बाद बीइंग टॉट बाय मिस्टर, आर बीइंग टॉट होगा, ठीक है दोस्तों याद रखना, इसका जो है वो हमारा आर हो जाएगा, तो आर बीइंग टॉट बाय मिस्टर मुखर्जी, ए वाला जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।